निगासन कोतवाली के अंतर्गत गांव बलदेवपुरवा में एक बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे एक कर्मचारी व ग्रामीण की मदद से पक्षचिन्हों के आधार पर खोज की गई। वहीं खेत में छिपे बाघ ने ग्रामीण रामकिशोर वर्मा पर हमला कर दिया। रामस्वरूप चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बचाव रामस्वरूप भी वहां पहुंच गए। बाघ ने रामस्वरूप पर भी हमला कर दिया, जिससे रामकिशोर वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन की मदद से आनंद फानंद में दोनों को निगासन सीएससी लाया गया। इसमें रामकिशोर की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। करीब 4 घंटे के बाद डीएफओ अनिल पटेल मोकिमपुर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। बाघ को चारों तरफ से ग्रामीण व पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से घेरे रखा, पर अभी तक प्रशासन बाघ पकड़ने में नाकाम रहा। डीएफओ अनिल पटेल से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो अनिल पटेल ने बताया कि हमने 2 टीमें गठित की है जो दोनों गाँव के बीच में रहेंगी। हम जल्द ही बाघ को पकड़ेंगे। इस मौके पर सीओ मनोज यादव व एसडीएम अखिलेश यादव तथा तहसीलदार पूरण सिंह राणा, कोतवाल निगासन संजय त्यागी व तिकुनिया अजय सिंह सिंघाई व मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? तो आपके यहाँ सर कितने बजे आया था? ये सुबह 11 बजे जान मिला है। फिर कहा वहाँ से कार्यकर्ता लोग यहाँ के आए हुए हैं, अभी कोई बात ही नहीं कर रहे। कौन नहीं बात कर रहा है? कोई कार ये सब बता रहे, पलिया से गाड़ी आ रही, ये है वो है, अभी तक गाड़ी नहीं आई सर। अच्छा, कई लोग खाया सर ने? आज 2 लोगों को। 2 लोग कौन कौन, क्या नाम है बताइए? रामस्वरूप और रामकिशोर। रामस्वरूप कहाँ के रहने वाले हैं? ओरीपुरवा के। और दूसरा व्यक्ति? बलदेवपुरा। मतलब जख्मी हुए हैं जी? ज्यादा जख्मी हुए कम हुए हैं? जी ज्यादा जख्मी हुए। ज्यादा जख्मी हुए हैं। और 2 लोग कहाँ गए? वो लोग वो तो सब लखीमपुर का भेजा गया। लखीमपुर भेज दिया। पहले कहाँ ले गए थे? पहले निगासन ले गए। निगासन पीएचसी पे ले गए जी। इसके बाद लखीमपुर रिफर कर दिया जी। 8 महीने की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो इसको हम नहीं मानते हैं। फरवरी में एक इंसिडेंस हुआ था। नहीं दिए साहब, 8 महीने हो जा रहे हैं। नहीं, जब से हम आए तब से हम देख रहे हैं फरवरी से इंसिडेंस हुआ है। उसके बाद अप्रैल में जो सातेपुरवा गाँव का घटना हुआ था उसको खा गया था। उस घटना के बाद वो खा गया था, लेकिन पूरे सब लोग मिल के उसको सही सलामत बचा के और लखनऊ जू भेज दिया है। देखिए जो टाइगर है वो टाइगर बस केवल हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, वो राष्ट्रीय एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है, सभी लोगों का है। तो सभी लोगों के भागीदारी से ही हम उसको जंगल की तरफ रख सकते हैं। केवल अकेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई जादू कर देंगे उसके बाद जंगल की तरफ भाग जाएगा। नहीं, आप लोग शासन से कहिए जंगल की कोई व्यवस्था करे, बैरिकेटिंग करवा दे, कम से कम इसकी कुछ व्यवस्था करे। ऐसी बात नहीं, शासन करवा ले सकता है, करवा सकता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल करा सकता है। और हम लोग ये प्रपोजल जो है ऑलरेडी हम लोग ये मतलब अपने जो सीनियर्स हैं उनको बताते भी हैं कि सर यहाँ की जो समस्या है वो तभी साल्व हो सकती है जब उसके चारों तरफ, या तो हम जैसे रणथंभौर एक टाइगर रिजर्व है वहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री बन गया है, उस तरह का अगर यहाँ पे हम बना दें जहाँ जहाँ गांव जहाँ पे हैं उसके किनारे जंगल के किनारे केवल वहाँ पे। लेकिन आप देखेंगे तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा, अगर पीलीभीत से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा वो है स्ट्रेच है।